द वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट फाइव आइटा इज, आर्ग्यूमेंट मतलब हमें थीटा फाइंड करना है। फाइव आइटा को हम कम्प्लेक्स नंबर के रूप में लिख सकते हैं, जेड इज इक्वल टू ज़ीरो प्लस फाइव आइटा, और यहाँ पे एक्स की वैल्यू है ज़ीरो और वाई की वैल्यू है फाइव। अगर ये वैल्यूज हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो ये पॉइंट्स वाई एक्सिस पे लाई करेगा, अगर ये वैल्यू एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे लाई करती है तो थीटा की वैल्यू ज़ीरो आएगी, अगर ये वैल्यूज़ पॉजिटिव वाई एक्सिस पे लाई करती है तो थीटा की वैल्यू पाई ओवर टू आएगी, अगर नेगेटिव एक्स एक्सिस पे लाई करती है तो थीटा की वैल्यू पाई, अगर ये नेगेटिव वाई एक्सिस पे लाई करती है तो थीटा की वैल्यू माइनस पाई ओवर टू। तो इस क्वेश्चन में ये पॉजिटिव वाई एक्सिस पे लाई कर रही है, तो इट मींस इसका आंसर है बी ऑप्शन। इफ वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आर द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी देन फाइंड दिस, तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इसकी वैल्यू हमें पता है, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल होती है, ज़ीरो के इक्वल, तो कोई भी ज़ीरो के मल्टीपल में है तो उसका आंसर ज़ीरो ही आएगा, तो ज़ीरो इज़ द आंसर। इफ़ मोड जेड माइनस फाइव प्लस फाइव आइटा लेस देन इक्वल टू फाइव देन फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ मोड जेड, जेड माइनस फाइव प्लस फाइव आइटा, इसको हम जेड बनाने के लिए प्लस फाइव करेंगे और माइनस फाइव आइटा करेंगे, तो जो हमने खुद से ऐड किया है वो उठा लेंगे फाइव। अब इसका मॉडुलस करेंगे, फाइव स्क्वायर ट्वेंटी फाइव प्लस फाइव स्क्वायर ट्वेंटी फाइव, ये आएगा रूट फिफ्टी। अब मैक्सिमम निकालने के लिए मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए ये जो राइट साइड पे होता है फाइव, मैक्सिमम में फाइव प्लस करना होता है, मिनिमम में फाइव माइनस। अब जो ये वाली वैल्यू फाइंड की है इसमें एक बार प्लस कर दो अंडर रूट फिफ्टी, एक बार माइनस, तो अंडर रूट फिफ्टी को लिख सकते हैं हम फाइव रूट टू, फाइव प्लस फाइव रूट टू। मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है तो मिनिमम वैल्यू आएगी फाइव माइनस फाइव रूट टू, डी इज़ द ऑप्शन। थ्री क्यूब रूट ऑफ एट, एट आइटा आर, एट आइटा के क्यूब रूट फाइंड करने हैं। एक्स क्यूब इज इक्वल टू एट आइटा, एक्स क्यूब इज इक्वल टू एट आइटा कैन बी रिटन एज माइनस टू आइटा क्यूब, एक्स का एक रूट आएगा माइनस टू आइटा, तो माइनस टू आइटा से देख सकते हैं कि ये ऑप्शन डी में है। सेकंड रूट माइनस टू आइटा ओमेगा, और थर्ड माइनस टू आइटा ओमेगा स्क्वायर। नेक्स्ट सम इज़ सम ऑफ फोर, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी इज़, फोर रूट होते हैं वन माइनस वन माइनस वन आइटा और माइनस आइटा, इन चारों का सम फाइंड करना है। जब सम करेंगे तो ये वन माइनस वन से कैंसिल, आइटा माइनस आइटा से कैंसिल, तो इसका इनका सम आएगा ज़ीरो, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ जेड इज़ अ रूट ऑफ ओमेगा देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ऑल्सो अ रूट ऑफ ओमेगा, अगर जेड ओमेगा का रूट है तो जेड बार भी ओमेगा का ही रूट होता है। द वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट माइनस फाइव आइटा इज, आर्ग्यूमेंट मतलब हमें थीटा फाइंड करना है, तो माइनस फाइव आइटा को हम लिख सकते हैं जेड इज इक्वल टू ज़ीरो माइनस फाइव आइटा, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू ज़ीरो है और वाई की वैल्यू माइनस फाइव, तो एक्स की वैल्यू ज़ीरो और वाई की वैल्यू माइनस फाइव यहाँ पे आएगी, तो इसका मतलब यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू होती है वो होती है माइनस पाई ओवर टू,
तो बी इज़ द राइट आंसर. फाइंड द वैल्यू ऑफ आइटा रेज टू पावर एन प्लस आइटा रेज टू पावर एन प्लस वन प्लस आइटा रेज टू पावर एन प्लस टू प्लस आइटा रेज टू पावर एन प्लस थ्री. अगर कोई भी चार कॉन्जिक्यूटिव नंबर दिए हों तो उनका सम हमेशा ज़ीरो आएगा. सपोज एन इज इक्वल टू फाइव है तो आइटा रेज टू पावर फाइव प्लस आइटा रेज टू पावर सिक्स आइटा रेज टू पावर सेवन आइटा रेज टू पावर एट, तो इन चारों का सम ज़ीरो आएगा. कोई भी चार कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं तो उनका सम हमेशा ज़ीरो आता है. द इनक्वालिटी इज कॉल्ड ट्रायंगल इनक्वालिटी, कॉशी सचवार्ड्स इनक्वालिटी, मिनकोस्की इनक्वालिटी, नन ऑफ दिस. तो ये वाली जो इनक्वालिटी है दिस इज कॉल्ड ट्रायंगल इनक्वालिटी. वी कैन राइट आर कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा एज, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, आर सिस थीटा. सी ऑप्शन. व्हाट इज अंडर रूट वन प्लस ओमेगा स्क्वायर ओवर वन प्लस ओमेगा इक्वल टू, वेयर ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी. हमें ये मालूम है कि वन प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो के इक्वल होता है. वन प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा के इक्वल होगा. वो यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पे माइनस ओमेगा ओवर वन प्लस ओमेगा किसके इक्वल होगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर. माइनस से माइनस कैंसिल और ओमेगा से ओमेगा, ये आएगा अंडर रूट वन ओवर ओमेगा. ओमेगा स्क्वायर से रैशनलाइज करेंगे, वन प्लस वन ओवर ओमेगा मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर ओवर ओमेगा स्क्वायर, तो ये आएगा ओमेगा स्क्वायर ओवर ओमेगा क्यूब. ओमेगा क्यूब की वैल्यू वन और ओमेगा स्क्वायर का अंडर रूट ओमेगा, तो ये किसके इक्वल आएगा, ऑप्शन बी. द स्क्वायर रूट ऑफ थ्री प्लस फोर आइटा इज, जब भी इसका स्केयर रूट फाइंड करना है तो सबसे पहले अंडर रूट ए स्केयर प्लस बी स्केयर फाइंड करना है. ए स्केयर थ्री स्केयर नाइन प्लस फोर का स्केयर सिक्सटीन, नाइन प्लस सिक्सटीन ट्वेंटी फाइव, अंडर रूट ट्वेंटी फाइव इज इक्वल टू फाइव. उसके बाद फाइव अंडर रूट फाइव प्लस थ्री ओवर टू प्लस अंडर रूट फाइव माइनस थ्री ओवर टू आइटा. फाइव प्लस थ्री एट, एट ओवर टू फोर और फोर का अंडर रूट टू प्लस फाइव माइनस थ्री टू ओवर टू वन आइटा. तो इसके आगे प्लस माइनस, तो ये आंसर आएगा सी पार्ट.